हद नहीं। बांध लो मेरी आंखों पर जितने भी बंद, बांध लो मेरी आंखों पर जितने भी बंद, मेरे अश्कों की कोई भी सरहद नहीं, मेरे अश्कों की कोई भी सरहद नहीं। ये उमंग रंग है सोच लो सोच लो, ये धनक रंग है सोच लो सोच लो, ऐसे रंगों की कोई सरहद नहीं, ऐसे रंगों की कोई सरहद नहीं। और सरहदें बस जमीन पर बना ली गई, सरहदें बस जमीन पे बना ली गई, आसमानों की कोई सरहद नहीं, आसमानों की कोई सरहद नहीं। और काफिले रोशनी के उतरने लगे, काफिले रोशनी के उतरने लगे, चांद तारों की कोई भी सरहद नहीं, चांद तारों की कोई भी सरहद नहीं। और सोच लो इनमें तुम भी तो जल जाओगे, सोच लो उनमें तुम भी तो जल जाओगे, आज शोलों की भी कोई सरहद नहीं, आज शोलों की भी कोई सरहद नहीं। और देश देश को सोचता हूं देश में रहकर, देश को सोचता हूं मैं देश परदेश में, देश को सोचता हूं मैं परदेश में, देश को सोचता हूं मैं परदेश में, मेरी यादों की भी कोई सरहद नहीं, मेरी यादों की भी कोई सरहद नहीं। याद अरशद मुझे आ रहे हैं सभी, याद अरशद मुझे आ रहे हैं सभी, दिल के रिश्तों की कोई सरहद नहीं, दिल के रिश्तों की कोई सरहद नहीं। बहुत शुक्रिया सुनने का। ये लता जी के लिए मैंने ये दो दिन पहले ही ये गजल लिखी थी, इसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ब्रदर अरशद हुसैन साहब हाजिर में फिर, और पाक इंडिया फ्रेंडशिप के ऊपर उन्होंने बात की। ऐसी ही एक माहौल चला था यकजहती मुशायरों का, तो पाक इंडिया यकजहती मुशायरा हो रहा था। उस दौरान सामयिक में एक सरदार बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई सारे शायर बुलाए, सरदारों का कोई शायर नहीं बुलाया। तो सदर महफिल ने पूछा कि आप भी कुछ शेर कहते हैं? कहते हैं बिल्कुल शेर कहता हूँ। कहते हैं आइए तशरीफ़ लाइए। तो सरदार जी तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा मेरी नजम का अनुवाद है डब्बा डब्बा। तो उन्होंने अभी नजम सुनाई कि डब्बे जो डब्बा उतने बड़ा डब्बा, डब्बे जो डब्बा उतने बड़ा डब्बा, ते फिर डब्बा ते फिर निका डब्बा ते फिर बड़ा डब्बा ते फिर डब्बे फिर डब्बे से डब्बे। तो सदर मोहतरम ने कहा सरदार जी आपकी नज़म जो है वो वजन में नहीं है। कहने लगे हजूर वजन को छोड़ो, बैलेंस देखो कैसे लेके गया। हर चीज में बैलेंस जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। अगर बेसबब दाद देना शुरू हो जाए तो शायर मशकूक हो जाता है कि मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर शायर अच्छा पढ़ रहा है और आप दाद नहीं दे रहे तो शायर मशकूक हो जाता है कि सुनने वाले कहाँ से हैं। तो यकसालियत और बैलेंस जो है ना यकसुई होना चाहिए। मुहर के अंदर जो अलमिया उसका आगाज़ अच्छा हो चुका है। इस तसलसल को बरकरार रखते हुए खवातीन हज़रात न्यू जर्सी में एक तशरीफ़ फरमा शायर, उनकी शख्सियत के भी कई हवाले हैं, अच्छे कलम निगार भी हैं, शायर भी हैं, और उनका एक मजबूत हवाला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, सबका फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए। जिस ज़माने में ये थे उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, और यकीनन जब फिल्में ख़त्म हो गई तो भरपूर टाइम था तो उन्होंने भरपूर शायरी शुरू की और बहुत अच्छा कलाम कहते हैं। मजमू कलाम उनका मंजर आप आ चुका है, इस्तकबाल कीजिए जनाब आफ्ताब कमर साहब का भरपूर टाइम। आप तो हमें लाइटर बुलाए। असल में मैं इतनी खामोशी देख के दीवाना सा हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं मुशायरे में आया हूँ कहाँ आया हूँ। और हालांकि अच्छे भले डॉक्टर बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा है ये अपने मैट्रिक का इम्तिहान देने आए, इतने खामोश हैं, इतने खामोश हैं इसकी हद नहीं। खैर एनीवे जो भी है, सुनना तो हमने अपने मेहमानों को है, मैं तो सिर्फ एक अपने फिल इन द ब्लैंक हूँ। चंद शेर
صاحب یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے، یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو ٹھہرنے والا ہے۔ یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ اور ابھی بھی وقت ہے، آنکھوں میں بھر لو کچھ پانی۔ وہ مجھے اصل میں یہاں رکھ کے پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ لو شارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ اس کو ذرا ایڈجسٹ کریں بھائی پلیز، آپ تو ہمیں گردن چکانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسٹینڈ چھوٹا ہے بس بس، شکریہ بہت بہت آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں یہ اب ٹھیک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھوں میں بھر لو کچھ پانی، سنا ہے جلد یہ دریا اترنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھوں میں بھر لو کچھ پانی، سنا ہے جلد یہ دریا اترنے والا ہے۔ اور ایک شعر کہ ہمیں پڑے گی ضرورت پھر ایک ناؤ کی، ہمیں پڑے گی ضرورت پھر ایک ناؤ کی، سروں سے پھر یہاں پانی گزرنے والا ہے، سروں سے پھر یہاں پانی گزرنے والا ہے۔ اور شعر عرض ہے کہ خدا کی کھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے، خدا کی کھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پھر مکرنے والا ہے۔ خدا کی کھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پھر مکرنے والا ہے، اور قمر یہ لگتا ہے وہ پھر میری خوشی کے لیے متائے درد میرے نام کرنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جھوٹی قسم ایک ہی دفعہ کھائی جاتی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ بتاؤ کیا بات ہے۔ مجھے بڑا، مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں نے ساری زندگی فلم میں گزاری ہے، شور شرابہ چیخ پکار، مگر بتاؤں کیا بات ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار اور اتنے پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا سا ذرا چہرے کے اوپر وہ لائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی مشاعرہ ہے، اور جو اتنی دور سے آئے ہیں ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کچھ سنانا ہے۔ تو یہ شعر کے خدا کی کھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پھر مکرنے والا ہے۔ اور وہ، اور اب آپ دو تین شعر اور بھی سن لیں کہ کسی بھی شاخ تمنا پہ گل کھلا ہی نہیں، کسی بھی شاخ تمنا پہ گل کھلا ہی نہیں، تمہارے جیسا کوئی دوسرا ملا ہی نہیں، کسی بھی شاخ تمنا پہ گل کھلا ہی نہیں، تمہارے جیسا کوئی دوسرا ملا ہی نہیں، اور تمام عمر ہی پوجا ہے ایک پتھر کو، تمام عمر ہی پوجا ہے ایک پتھر کو، مگر وہ ایسا انادات تھا ہلا ہی نہیں، تمام عمر ہی پوجا ہے ایک پتھر کو، مگر وہ ایسا انادات تھا ہلا ہی نہیں۔ اور حضور شعر ارتھ ہے کہ میں جان لیتا وہ سب کچھ جو تیرے دل میں ہے، میں جان لیتا وہ سب کچھ جو تیرے دل میں ہے، مگر تو سینے سے لگ کر کبھی ملا ہی نہیں۔ ہم کام رئیس اپنے لیے کرتا ہے۔
आपके लिए भी कर रहा हूँ, आपके मैं माफी चाहता। हाँ जी, मुझे एक बात याद आई, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक एक साहब ने एक जुमला कहा था, और सारे लोग सुन लीजिए कि आपने अमूमन सुना होगा कि कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इसका जवाब ये है कि हर नाकाम आदमी के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। दोनों माहौल से गुजरे हैं, शायरी का आपने अक्कासी देखी आपने, अच्छे अल्फाज में आपने और बहुत ही एहतियात के साथ उन्होंने बहुत ही यानी कि मौजिज तरीके से रिफास के साथ उसको बयान किया, जो हर चंद ये मुश्किल काम है, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा। बहुत शुक्रिया आपका मोहल्ला। मुशायरों में ऐसा भी होता है, अब तो एक नई सनफ आई है मुशायरे की, उसका नाम भी तय नहीं हुआ अभी। वो सनफ ये है कि आप एक शेर किसी एक मिसरा किसी शायर का लें, दूसरा किसी शायर का लें, गज़ल आपकी है और जो चाहे इस पे अमल कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा काम ये कि इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। मसलन एक साहब ने फराज पर काम शुरू किया, उन्होंने फराज साहब का एक शेर लिया कि उसकी आँखों में कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आँखों में कभी गौर से देखा है फराज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार। दूसरा एक शेर है, आप लोगों ने सुना होगा कि तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। ठीक है, या गालिब पे हमला हुआ, गालिब साहब भी गया है, कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, अब पड़ोसा नजर नहीं आती और अख्त का एक दिन मुअय्यन है, नींद की उड़ान पर नहीं आती। और पॉपुलर मेलेडी ने इसके अंदर एक और इजाफा किया, हमारे दोस्त हैं, ये कैसा सुरमा लगा दिया तुमने, कोई सूरत नजर नहीं आती। गिरा थी एक साहब को ये भी नहीं आता था कि दो मिसरे से तीन मिसरे मिलाए, उन्होंने अमिताभ की एक डायलॉग था उसको बड़ा याद किया उन्होंने, उसको कहा ये मेरी छोटी सी एक नज़्म है, वो था कि सिलसिले में कि कुछ इस तरह से ना कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, छोटा वाला ऐसा होता, बड़ा वाला ऐसा होता। मेरे शायरी में उसको इस्तेमाल किया। चलिए आप लोग जा चुके हैं, मैं मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। आसिफ महफिल भरपूर तालीम इस्तेमाल कीजिए एक ऐसे नौजवान शायर का जिनकी इस उम्र में तीन मजमाए कलाम आ चुके हैं और गाहे गाहे आपके मुशायरे में उनके कलाम को सुना है, भरपूर तालीम इस्तकबाल कीजिए। तकी कमाल साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। ये गजल के चंद अशआर हैं। क्या बताऊं कहां मैं रहता हूं, क्या बताऊं कहां मैं रहता हूं, गुम उसी के गुमा में रहता हूं। क्या बताऊं कहां मैं रहता हूं, गुम उसी के गुमा में रहता हूं। ये उजाले तो घर के बाहर हैं, ये उजाले तो घर के बाहर हैं, मैं अंधेरे मकान में रहता हूं और चाहता हूं कि खुद मिले मंजिल, चाहता हूं कि खुद मिले मंजिल, ख्वाब जैसे जहां में रहता हूं। और दश्त वालों से मेरी क्या निस्बत, दश्त वालों से मेरी क्या निस्बत, मैं तो एक गुलसिता में रहता हूं। बहुत शुक्रिया। और वो मुझे रोज आजमाते हैं, वो मुझे रोज आजमाते हैं, एक कड़े इम्तहान में रहता हूं। और एक मुद्दत हुई कमाल के मैं महफिले गुल रुखा में रहता हूं। एक गजल के चंद अशआर भी याद है। गिरना पड़ा जमीन पे मुझे आसमान से, गिरना पड़ा जमीन पे मुझे आसमान से, ऊपर निकल गया था मैं अपनी उड़ान से।
गिरना पड़ा जमीन पे मुझे, आसमान से ऊपर निकल गया था मैं अपनी उड़ान से, और अब मेरे जिस्म जहाँ पे मुसल्लत है कोई और, अब मेरे जिस्म जहाँ पे मुसल्लत है कोई और, अब गुफ्तगु मेरी है किसी की जबान से। बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिएगा कि इल्ज़ाम तुम किसी को न दो उसके कत्ल का, इल्ज़ाम तुम किसी को न दो उसके कत्ल का, उस पर चला है तीर खुद उसकी कमान से। इल्ज़ाम तुम किसी को न दो उसके कत्ल का, उस पर चला है तीर खुद उसकी कमान से। और हर शख्स ने बनाई है मस्जिद अलग अलग, हर शख्स ने बनाई है मस्जिद अलग अलग, ये शेर सुनिएगा मिसरा है कि हर शख्स ने बनाई है मस्जिद अलग अलग, यानी नमाज हो गई पहले अजान से। और इंसान जब से भूल गया उसकी जात को, इंसान जब से भूल गया उसकी जात को, महरूम हो गया है वो खुदा की अमान से। और एक पल कमाल उसको ठहरने नहीं दिया, एक पल कमाल उसको ठहरने नहीं दिया जो धूप आ रही थी मेरे साहिबान से। बहुत शुक्रिया असल में मेहमान है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया लाल तरीक कमाल साहब। फातिमा हज़रा, आपको इस चीज़ का तो इल्म है कि तकरीर का अमल कितना कर्त और कितना जानलेवा होता है। किसी शायर ने कहा कि खुश शेरों, उस ज़माने में शेर चलते थे, अब तो किलो का हिसाब है, तो उसी ज़माने का शेर है कि खुश शेरों तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसरे तर की सूरत। मगर आज का शायर क्या बोलता है, कहता है पेट भर के मिले रोटी तो गज़ल होती है, और पेट खाली हो तो बस रद्दो बदल होती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सबने साथ खाना खाया है, अलावा मेहमानों के। आज़िर महफिल, महफिल का रंग ऐसा है क्योंकि इसमें एक बड़ी मुमालसलत इस बात की है कि सुनने वाले भी अच्छे हैं और शराम भी यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे फ़र्क ये नज़र आया कि कंवर मोहद्दत सिंह मीरी साहब ने एक मुशायरे में कहा, दिल्ली के एक मुशायरे में, कहने के ख़वातीन हज़रात आज के मुशायरे के मुताबिक मैं कोई बात नहीं कह सकता कि मुशायरा कैसा होगा। उसकी वजह यह है कि इस मुशायरे की सदारत एक पठान कर रहा है, यानी कि दिलीप कुमार साहब कर रहे थे, और कहने की इसकी कंपेयरिंग कर रहा है एक सरदार। तो मुशायरा किस तरह का होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज ये पता है कि यहाँ पे सारे साहिब लोग बैठे हैं, अच्छे शायर बोल रहे हैं, मिशारा बहुत अच्छा होगा। और एक दफ़ा आप खुद अपने लिए ताली बजाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग शायरा कराम के लिए ताली बजा रहे हैं तो अपने लिए बजा बजा लीजिए, क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस मुशायरे को मज़ीद ताजगी देने के लिए एक नए असलूब रखने वाले शायर, नसर निगार भी बहुत अच्छे हैं, शायर भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं, जनाब जमील उस्मान साहब, उसे मुलतमिस होकर अपने कलाम से नवाजें। बकुल खवातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। जनाब सदर मेहमान ग्रामीण, आपकी इजाज़त से पहले एक मतलब सॉरी अभी तो जुल्फ की काली घटाएं छाई हैं, अभी तो जुल्फ की काली घटाएं छाई हैं, अभी तो बज्म में मीना बदस्त साकी है, अभी तो बज्म में मीना बदस्त साकी है, अभी से क्यों है नमूदे शहर का हंगामा, अभी से क्यों है नमूदे शहर का हंगामा, अभी तो रात का पिछला पहर भी बाकी है, अभी तो अभी तो जुल्फ की काली घटाएं छाई हैं, अभी तो